हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो लगातार मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, 11th 12th में केमिस्ट्री के लिए जो है वो बेस्ट बुक्स कौन सी है, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा उसका टॉपिक यही है कि 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस चैनल पर फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस जो है अलग अलग टॉपिक पर लगातार अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 11th और 12th क्लास जो होती है वो हमारे कैरियर का जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिसको हम फर्स्ट फेज बोलते हैं कैरियर की, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। और उसमें भी 12th क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड होते हैं, और 12th क्लास को लेकर एक अलग ही हाइप क्रिएट की जाती है क्योंकि वो बोर्ड क्लास है। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो हमेशा स्टूडेंट के ऊपर रहता है कि हमें 12th क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है। तो 11th और 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे जो सोर्सेज है वहाँ पर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिससे कि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुँच सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, सबसे बेस्ट बुक्स जो है वो तो वही रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनका मटेरियल होता है वो बहुत ही, जो वैरायटी ऑफ प्रोफेसर्स, वैरायटी ऑफ डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं जो कि केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी से जो है वो मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और फिर एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो बनती है। तो उनमें जो मटेरियल मिलेगा आपको वो बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में होती है। इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे कि एक 11th और 12th का जो स्टूडेंट है वो अच्छे से उनको जो है वो ग्रैब कर सके। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि उनके अलावा कुछ एडिशनल मटेरियल जो है वो चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई है उसके अलावा भी जो है वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप उससे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए हमें कुछ रेफरेंस बुक्स जो है उनकी भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो बेस्ट बुक्स की जो लिस्ट मैं यहाँ पर कहूँगा, तो उसमें नंबर वन पर मैं रखूँगा एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो बुक्स होती है उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़िए। उनमें जितना दिया हुआ है टॉपिक उन सभी को आप अच्छे से पढ़िए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जो हर जो चैप्टर होता है उसके बाद में जो एक्सरसाइज होती है उन्हें आप सॉल्व कीजिए। तो ये एक मोर देन इनफ जो है वो आपके लिए हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो आप 11th और 12th क्लास में लेकर आ पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद जो बात आती है रेफरेंस बुक्स की, तो रेफरेंस बुक क्यों जरूरी होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेफरेंस बुक उस समय बहुत जरूरी हो जाती है जब आपका एम है कि अगर आप बायोलॉजी है, अगर आपके पीसीबी है तो आपका एम होगा कि आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपके मैथ्स है तो आपका एम होगा कि आपको जो है वो आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है। तो तब रेफरेंस बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है वो वन स्टेप अहेड आता है, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है वो होता है बेसिक, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो हर टॉपिक जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है उससे थोड़ा एडवांस जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहीं पर ज़रूरत आती है रेफरेंस बुक की। तो अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या आगे जाके आप नीट की तैयारी करेंगे या फिर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के अलावा कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स जो है उनको भी आपको जो है वो साथ में पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है वो नीट के और आईआईटी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो जो एडवांस बुक्स होती है उनमें क्या होता है कि जो टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं उन हर टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो बताई जाती है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होती है। तो अगर हम बात करें ऐसी रेफरेंस बुक की, तो उसमें है सबसे पहले ABC केमिस्ट्री,
मॉडर्न पब्लिकेशन हाउस की एबीसी केमिस्ट्री जो है उसमें बहुत ही जो है वो ऐसी एक्सरसाइज दी हुई है, अनसॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो भी दिए गए हैं, तो वहाँ से आपको जो है वो बहुत सारा थ्योरी जो है वो भी उसमें दी गई है। तो हर टॉपिक को आप बहुत ही डिटेल तरीके से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो बुक रहेगी वो आप एज ए रेफरेंस बुक जो है वो कर सकते हैं, उसको आप ट्राई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एबीसी केमिस्ट्री के बाद जो है वो होगा प्रदीप केमिस्ट्री, प्रदीप केमिस्ट्री जो है वो भी वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू, इसको भी आप जो है वो एज ए रेफरेंस बुक आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें भी जो है वो एबीसी केमिस्ट्री की तरह ही हर जो टॉपिक है उसका डिटेल एनालिसिस है, उसके अलावा जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एबीसी केमिस्ट्री और प्रदीप केमिस्ट्री इसमें चॉइस आपकी हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज का जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, तो हर स्टूडेंट जो है वो उनकी चॉइस अलग अलग रहती है। दोनों ही बुक्स अच्छी है और एज ए रेफरेंस बुक आप उन्हें जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें तो एक बुक है कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री जो है उसमें भी जो है वो सभी टॉपिक का डिटेल एनालिसिस है, कॉन्सेप्चुअल क्लेरिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो अनसॉल्व एक्सरसाइज होती है उन सभी के आंसर जो है वो भी वहाँ पर दिए गए हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ईजी है अगर हम कंपेयर करें उसे एबीसी केमिस्ट्री बुक से, तो ये बुक जो है वो भी आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपको एबीसी केमिस्ट्री जो है वो उसका लेवल थोड़ा हाई लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो है टुगेदर विथ केमिस्ट्री, टुगेदर विथ केमिस्ट्री जो बुक है उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं बोर्ड के उन सभी पेपर्स को जो है वो कंपाइल किया गया है ईच चैप्टर वाइज, तो ये बुक जो है वो भी आपके लिए जो है वो बोर्ड्स के हिसाब के से तो काफ़ी अच्छी रहेगी, कि इसमें आपको जो है वो प्रीवियस ईयर्स के जो सारे पेपर्स हैं उनका ईच चैप्टर वाइज कंपाइलेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी स्टडी को करते समय ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से पेपर जो है वो आए थे, कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आए थे, तो उससे आपको जो है वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब तक हमने जिन बुक्स की बात कर ली वो एबीसी केमिस्ट्री है, प्रदीप केमिस्ट्री है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, टुगेदर विथ केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो रेफरेंस बुक्स की बात की है, ये रेफरेंस बुक्स जो है वो क्या करती है फ्रेंड्स कि आपकी जो स्टडी है उसको थोड़ा और भी डिटेल एनालिसिस जो है वो करने में हेल्प करती है और आप जो है वो आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। यहाँ पर चॉइस सबकी अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ जो है वो वेरिएशन रहता है। अगर अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।